हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएल स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त की तारीख के दिन महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त के दिन को ही क्यों चुना। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी एक साल से भी ज्यादा वक्त से क्रिकेट के मैदान से दूर थे और फिर सोशल मीडिया अकाउंट पर महेंद्र सिंह धोनी ने इस बात का ऐलान किया कि अब उन्हें रिटायर्ड खिलाड़ी ही माना जाए। इसके तीन कारण नजर आ रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। एमएस धोनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत शुक्रिया। आज शाम 7:29 से मुझे रिटायर समझिए। एमएस धोनी ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच पिछले साल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। तब से वो टीम से बाहर चल रहे थे और उनके संन्यास की अटकलें तेज थी। उम्मीद थी कि धोनी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे टाल दिया गया। धोनी की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 जीता। 28 साल बाद 2011 में भारत को धोनी ने वनडे वर्ल्ड कप विजेता बनाया। इसके अलावा धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी भी दिलाई और टेस्ट में टीम इंडिया को नंबर वन बनवाया। धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने ICC के सभी टूर्नामेंट्स, टी20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। वैसे धोनी क्या करने वाले हैं ये कोई नहीं जानता। धोनी बड़ी ही खामोशी से अपने फैसले लेते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात हो, चाहे वनडे क्रिकेट से कप्तानी छोड़ने की बात हो और अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात। लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। दरअसल धोनी ने अभी पिछले महीने ही 7 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया था। 7 जुलाई को ही वो 39 साल के हुए थे। 7 जुलाई से 15 अगस्त तक अगर आप जोड़ेंगे तो आंकड़ा 39 आएगा। यानी धोनी जिस दिन 39 साल 39 दिन के हुए, उसी दिन शाम को उन्होंने 7:29 पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। संन्यास का दिन और वक्त धोनी ने सोच समझ कर चुना, या फिर यूं कहें कि आंकड़ा फिट बैठ गया, ये तो धोनी ही जाने। लेकिन जहां तक न्यूमरोलॉजी की बात है तो धोनी इस पर काफी विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी जर्सी का नंबर भी 7 था जिस दिन उनका जन्मदिन होता है। यही नहीं, पहले वनडे में भी धोनी 7 नंबर पर ही बल्लेबाजी करने आए थे, इसलिए धोनी ने तय कर लिया था कि वो 39 साल 39 दिन पर ही संन्यास लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो था धोनी का नंबर गेम, या यूं कहें न्यूमरोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में अपने संन्यास का ऐलान नहीं किया, बल्कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में शामिल होने जब चेन्नई पहुंचे उसके बाद ही उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था तब धोनी भी अपने घर रांची में ही रहे। बीच बीच में उनके कुछ वीडियो सामने आते रहे, लेकिन खुद एमएस धोनी कभी सामने निकल कर नहीं आए। अगर वो चाहते तो इस दौरान भी संन्यास का ऐलान कर सकते थे, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना ही कोई भीड़भाड़। अगर इंस्टाग्राम पर ही संन्यास के बारे में बोलना था तो वो लॉकडाउन के दौरान रांची में रहते हुए भी कर सकते थे, लेकिन धोनी ने अपने संन्यास का ऐलान चेन्नई में किया। वही चेन्नई जिसके लिए वो पहले IPL से खेलते नजर आ रहे हैं। 2 बार जब चेन्नई की टीम IPL से बाहर हो गई, इसको छोड़ दें तो बाकी 10 साल वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले और 3 बार CSK को उन्होंने विजेता भी बनाया। धोनी की जरूर चाहत रही होगी कि जिस टीम के साथ उनका करीब 12 साल का लगाव रहा उसी शहर में जाकर वो संन्यास का ऐलान करें। झारखंड रांची के होते हुए भी धोनी चेन्नई में जाते ही थाला यानी बड़े भाई हो जाते हैं। अब तीसरा और सबसे बड़ा कारण, महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिपेंडेंस डे को ही अपने रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट के लिए क्यों चुना, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। धोनी ने संन्यास के लिए देश की आजादी की सालगिरह का दिन चुना। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि धोनी भले ही क्रिकेट खेलते हों, लेकिन देश के लिए प्यार का जज्बा उनके मन में जो है वो सभी जानते हैं। धोनी इस वक्त भी ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। पिछले साल जब विश्व कप के बाद धोनी टीम इंडिया से पहली बार दूर हुए थे तब वो देश की सेवा करने और ट्रेनिंग लेने सेना के कैंप में भी गए थे। धोनी ने टेरिटोरियल आर्मी में अपनी यूनिट को सेवाएं दी थी। इसके बाद वो अन्य काम करते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने देश के लिए ही समय निकाला और देश की आजादी का बड़ा दिन और क्या हो सकता था, इसलिए धोनी ने इस खास दिन को चुना और इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN Sports को सब्सक्राइब कर सकते हैं।